गुड आफ्टरनून चंद्रकांत जागृति रंजना सौम्या वेत वेद प्रकाश प्रियंवदा सुमति। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सेल डिवीजन में इंट्रोडक्शन पढ़ा और कई सारे फेजेस के बारे में डिस्कशन किया कि सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस हैं, G1 यस फेज, G2 और यम फेज किसे कहते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज क्या हैं, वो कौन सी फेज की सब फेजेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और यूकैरियोटिक सिस्टम में हम लोगों ने दो तरह के डिवीजन के बारे में डिस्कशन किया, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने वहां डिस्कशन किया। और देन इसके बाद हम लोगों ने डिवीजन की शुरुआत करी है और G1 क्या है, यस फेज क्या है, G2 फेज क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको G1 फेज के बारे में पढ़ा दिया और यस फेज के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे। यस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो यस फेज में प्रॉपरली रेप्लिकेट होते हैं। और इंटरफेज में जब हम लोग G1 में हैं तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक DNA मॉलिक्यूल है और जब वो यस फेज में जाएगा तो वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन से जब एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तो उसका एक आइडेंटिकल कॉपी DNA का और बनेगा और ये दोनों आइडेंटिकल कॉपी हिस्टोन्स के साथ असेंबल होंगे और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में एक कॉमन सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से लिंक होते हैं। इस वजह से हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, क्रोमोसोम कैसे काउंट करते हैं, अमाउंट DNA का डबल होता है या नहीं होता है, इन सारे पॉइंट्स को कल हम लोगों ने यस फेज में डिस्कस किया था। कल लास्ट में आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको यस फेज में बताया कि एक तो मेजर इवेंट है DNA का रेप्लिकेशन होना और दूसरा जब लेट G1 में हम लोग आ रहे थे, लेट G1 फेज की बात कर रहे थे, वहां पर प्री RC का असेंबल होना ये डिस्कस किया, क्योंकि प्री RC असेंबल होगा तो प्रॉपर DNA रेप्लिकेशन होगा। और साथ में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेट G1 में ही हमारे सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया जाता है। तो DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड्स, DNA का अमाउंट, इन पॉइंट को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में याद होगा और हमेशा याद रखेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन प्रोसेस को, सेंट्रोसोम कैसे डुप्लीकेट होता है। और क्योंकि जब हम लोग प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज पढ़ेंगे तो वहां पर माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटर्स क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन करेगा, तो माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटर्स कैसे असेंबल हुआ, हम पोल्स किसे कहते हैं, ये कई सारे टर्म आते हैं उनके बारे में भी हमें जानना है। तो यस फेज में दो प्रोसेस, एक तो DNA का रेप्लिकेशन होना, कल आप लोगों ने इस पॉइंट को शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूं जिससे आप लोग उस पॉइंट को समझ लें कि हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी यस फेज में है और यस फेज में मैं आपके साथ सेंट्रोसोम साइकिल को डिस्कस करने वाला हूं पहले, देन G2 फेज, देन उसके बाद ही हम लोग प्रोफेज और को भी डिस्कस करेंगे, प्रोफेज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सेंट्रोसोम क्या है। तो हमारी सेल में जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है तो हमारे सेल में एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं और ये सेंट्रोसोम दो बैरल शेप्ड सेंट्रियोल्स का बना होता है। ये माइक्रोटिब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है और चारों तरफ इसके एक प्रोटीन का एक डेंस क्लाउड होता है जिसे हम लोग पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। तो सेंट्रोसोम एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, दो सेंट्रियोल्स का बना होता है। सेंट्रियोल्स खुद अपने आप में बने हुए हैं माइक्रोटिब्यूल्स के और यदि हम लोग एक सेंट्रियोल की बात करें तो ये 9
ट्रिपलेट्स का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स इसे बनाते हैं। शायद इस टॉपिक के मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोगों ने जो सेंट्रोसोम्स वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है। और हमारी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमारी सेल जब डिवीजन में नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के क्लोज, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। और नॉन डिवाइडिंग स्टेज में इसकी संख्या भी एक होती है। तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमारी सेल में एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। जब हमारी सेल डिवीजन में जाती, सेल साइकिल में इंटर करती है, तो हमारे क्रोमोसोम्स का बंटवारा माइक्रोट्यूब्यूल्स करती हैं और ऐसी कंडीशन में दो सेंट्रोसोम अपीयर होते हैं, दो सेंट्रोसोम्स हमारी सेल में प्रोड्यूस हो जाते हैं, अर्थात एक सेंट्रोसोम से दूसरा सेंट्रोसोम प्रोड्यूस होता है। और इससे फायदा क्या है, जब सेल डिवाइड कर जाएगी तो दोनों सेल को एक एक सेंट्रोसोम मिल जाएगा, साथ में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन भी माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए सेंट्रोसोम क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह फंक्शन करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें, सेंट्रोसोम ही वो बेस है जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होकर के चारों तरफ रेडिएट करते हैं, अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है। तो इस स्ट्रक्चर के डुप्लीकेशन प्रोसेस को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कब ट्रिगर हुआ, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि सेंट्रोसोम की नंबर में इंबैलेंस होता है तो क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बारे में हम लोग आज यहां डिस्कशन करने वाले हैं कि सेंट्रोसोम, देखिए एक पॉइंट और समझ लें, मैं सेल डिवीजन यहां पढ़ा रहा हूं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं और किसके बने होते हैं, पीसीएम क्या है, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे और शायद मेरा वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, नहीं होगा तो फ्यूचर में समय आने पर मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा। तो आज हमारा टारगेट है सेंट्रोसोम साइकिल को पढ़ना, क्या मेजर इवेंट्स हैं इसके डुप्लीकेशन प्रोसेस में और सेल डिवीजन में, सेल साइकिल प्रोसेस में को वो मेजर इवेंट्स किस स्टेज पर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लेट जीवन में जब हमारा सेल साइकिल शुरू होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है, तो लेट जीवन में हमारे सेल डिवीजन को सीडी के साइक्लिंस कंट्रोल करते हैं। तो जीवन यस फेज का सीडी के साइक्लिन, जिसे हम लोग सीडी के टू और साइक्लिन ई के नाम से जानते हैं, ये सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स और पीएलके फोर हमारे सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन को ट्रिगर कर देता है। तो जो हमारी सेल जीवन के लास्ट स्टेज पर पहुंचती है, उस स्टेज पर हमारा सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स और पीएलके फोर एंजाइम सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन को ट्रिगर करता है। तो पहला क्वेश्चन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन का इनिशिएशन कब होगा, तो आपका आंसर है लेट जीवन में। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन इज इनिशिएटेड इन द लेट जीवन, आपको ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन हैं, इन द लेट जीवन एंड ट्रिगर्ड बाई जीवन यस सीडीकेज एंड पीएलके फोर, आपको ध्यान रखना है जीवन यस सीडीके, जीवन यस सीडी के बाद की बात करेंगे तो सीडीके टू और साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स, ये जीवन यस फेज सीडी के साइक्लिन है। तो ट्रिगर हुआ लेट जीवन में, ट्रिगर किया गया सीडीके टू साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स के द्वारा और पीएलके फोर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब ट्रिगर किया जाता है, इसका डिवीजन ट्रिगर किया जाएगा, डुप्लीकेशन प्रोसेस ट्रिगर किया जाएगा, तो क्या चेंजेस होंगे और ये कैसे प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो आप सभी लोग यहां पर पहले समझ लें, फिर मैं फेजेस बता दूंगा। सेंट्रोसोम दो बैरल शेप्ड सेंट्रियोल्स का बना है। पहले स्टेज में, पहले स्टेप में सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। यहां पर दो सेंट्रियोल्स हैं, सभी लोगों को ध्यान देना है।
दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, मैं इसको काफी दूर बना रहा हूं, लेकिन सेल के लेवल पर पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल में ही ऐसा होता है, अर्थात एक ही यूनिट स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो स्ट्रक्चर एक ही है, एक ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों का सेपरेशन हो गया। दोनों सेपरेट होने के बाद आप सभी लोगों को यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, जब दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद ये स्प्लिट होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, और जब ये ब्रेक होंगे तो इनसे दो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएंगे। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ये है और इसी स्ट्रक्चर से ब्रेक होकर के एक स्ट्रक्चर और स्मॉल स्ट्रक्चर यहां प्रोड्यूस हो गया है। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन कैसे होता है उसके जनरल स्टेप्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले एक नॉर्मल सेंट्रोसोम जो एक कंप्लीट सेंट्रोसोम है हमारी सेल में प्रेजेंट है, जब इसका डुप्लीकेशन होता है सबसे पहले उसकी इंडिविजुअल सेंट्रियोल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, देन वो स्प्लिट होती हैं, बड होती हैं आप ये कह सकते हैं, और इस तरह से उनके ब्रेक होने से यहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं दो सेंट्रियोल्स जो थोड़े छोटे हैं, क्योंकि ये इसी एक सेंट्रियोल से ब्रेक होने से बने। इसके बाद ये ग्रो करते हैं, इसके बाद इनकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से होगी और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएंगे और इसी के साथ इनके चारों तरफ जो पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल है उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन ये कॉमन, यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, जब ये पूरी प्रोसेस होगी अर्थात सेंट्रियोल्स का अलग होना, उनका बड होना एंड देन उनका ग्रो करना और दो सेंट्रोसोम्स का पेयर होना, तो ये भी एक ही कॉम्प्लेक्स में है। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा देन इनका सेपरेशन शुरू होगा और ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, देन इसके बाद ये अलग हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये बेसिक स्टेप्स हैं सेंट्रोसोम साइकिल में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी फेज में क्या होने वाला है, इस पॉइंट को हमें समझना है। ये इनका सेपरेशन हो रहा है, एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। ये एक बेसिक सेंट्रोसोम साइकिल है, शायद यहां तक सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आपको यह ध्यान रखना है, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं, हमारी सेल में एक सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स का बना होता है, जब ये डुप्लीकेशन प्रोसेस में जाता है तो क्या होगा, क्या स्टेप्स हैं उनको समझें। सबसे पहले इसके इंडिविजुअल सेंट्रियोल्स अलग होती हैं, अलग होने के बाद वे सेंट्रियोल्स इंडिविजुअल सेंट्रियोल एक ब्रेक होगी, कह सकते हैं वो बड होगी, और इस तरह से इनके साथ दो सेंट्रियोल्स हो जाएंगी, क्योंकि एक ही सेंट्रियोल के ब्रेक होने से दोनों बनी है तो इनका साइज छोटा है, मैंने एक को थोड़ा बड़ा रखा है एक को थोड़ा छोटा रखा है, तो ये एक दूसरे से एक सेंट्रियोल जो सेपरेट हुई थी उससे बड होकर के एक छोटी सेंट्रियोल और बनी, उसी तरह से नीचे वाले स्ट्रक्चर में। देन इसके बाद जो इंडिविजुअल सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने से एक सेंट्रोसोम ये और एक सेंट्रोसोम ये बना, दो सेंट्रोसोम है लेकिन अभी भी ये कॉमन कॉम्प्लेक्स में है। देन इसके बाद सेंट्रोसोम्स का सेपरेशन शुरू होगा, इस तरह से ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन का। क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोसेस कौन सी फेज में होती है या कौन कौन सी फेजेस हैं जहां पर ये होने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जीवन फेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन प्रोसेस ट्रिगर होता है। तो ये यहां पर जीवन फेज में डुप्लीकेशन प्रोसेस ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने का मतलब है सेंट्रोसोम में प्रेजेंट सेंट्रियोल्स का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ट्रिगर होने का। देखिए मैंने मैकेनिकल प्रोसेस बताया हुआ है, तो सबसे पहले अलग होना और देन इसके बाद बड होना,
तो ट्रिगर करने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो सेपरेशन की प्रोसेस को ट्रिगर किया गया, तो यह प्रोसेस कब आ रही है, तो यह हुआ जीवन में। और जीवन में देखिए सेपरेशन तक आपको थोड़ा यहां पर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जीवन के लास्ट तक आते आते अर्थात जीवन जब खत्म हो रहा है और यश फेज शुरू हो रहा है, तब तक सेंट्रियोल सेपरेट हो चुके हैं और यश फेज में इनका इस तरह से ये ब्रेक होते हैं और ये यहां पर ब्रेक होकर के इन्होंने दो सेंट्रियोल्स बना लिए हैं, अर्थात हर एक स्ट्रक्चर में दो सेंट्रियोल हैं। तो यस फेज में इनकी बडिंग हो जाएगी, ये ब्रेक होंगे, जब ब्रेक हो जाएंगे देन इसके बाद ग्रोथ शुरू होगी। तो यस फेज में बडिंग हो जाती है, जब हम ग्रोथ में जाते हैं तो ग्रोथ होती है G2 फेज में, G2 फेज में ग्रोथ होगी। और ग्रोथ होने के बाद जब हम पहुंचेंगे प्रो फेज में, अर्थात माइटोसिस में इंटर करेंगे और प्रो फेज में इंटर करेंगे, तो इनका सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन शुरू होता है प्रो फेज में, मैं आगे इस पॉइंट को और आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रो फेज में। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन को ट्रिगर किया गया जीवन में, उनकी सेंट्रियोल स्प्लिट होकर के सेंट्रियोल्स बनाती, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बनती है, यह प्रोसेस होती है यस फेज में। एंड देन प्रोड्यूस्ड सेंट्रियोल्स की ग्रोथ होती है G2 में, और देन इसके बाद जो सेंट्रोसोम प्रोड्यूस हुए हैं उनका सेपरेशन स्टार्ट होता है प्रो फेज में, यम फेज में। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? CDK का फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें, जितने भी मैंने कल भी कहा था जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको पढ़ा लूंगा, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो समय आने दीजिए, अभी CDK साइक्लिन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है, सभी लोग यस सर लिख रहे हैं। देखिए मैं यहां पर एक पॉइंट आपके लिए बोलना चाहूंगा, जब सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सेल डिवीजन के लिए। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी सेल डिवाइड नहीं करती हैं तो हमारी सेल में एक ही सेंट्रोसोम होता है, लेकिन जब हम सेल डिवीजन में जाते हैं तो हमारा सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है, एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारी सेल साइकिल के टाइमिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स होंगे और कौन सी फेज में क्या होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन प्रोसेस को कब ट्रिगर किया गया, यस फेज में या फिर जीवन में। या हमसे सीधे सीधे एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर सकता है कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन हमारी सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है। तो कई बार स्टूडेंट ये अंदाजा लगाते हैं, इन्होंने नहीं पढ़ रखा है, कि सेंट्रोसोम से तो माइक्रोटिब्यूल असेंबल होते हैं और माइक्रोटिब्यूल की असेंबली शुरू होती है प्रोफेज में, तो उनका आंसर जनरली प्रोफेज आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन और हमारे DNA का रेप्लीकेशन टाइटली कोऑर्डिनेट करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कौन ट्रिगर करता है, तो जीवन या CDK फेज, CDK साइक्लिंस। मैं आगे आपको, जिन लोगों को CDK साइक्लिंस नहीं पता है आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी आप केवल ये नाम ही जाने या आप इसको भी समझ लें कि हाँ कोई एंजाइम था जिसने ट्रिगर किया, और जब हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। PLK4 एंजाइम आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए, ड्यूरिंग सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, जब सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, फर्स्ट ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम सेपरेट एंड ए डॉटर सेंट्रियोल्स बड फ्रॉम ईच इन यस फेज। यस फेज में जो सेंट्रियोल्स अलग हुए हैं उनसे दोनों से एक एक सेंट्रियोल बड होकर के प्रोड्यूस होगी। इन G2 फेज ग्रोथ ऑफ द डॉटर सेंट्रियोल्स इज कंप्लीट,
डॉटर सेंट्रियोल्स की ग्रोथ G2 फेज में होगी, बट दी टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स रिमेन विद ए सिंगल सेंट्रोसोमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद जो ये कंडीशन है, ये एक ही सेंट्रोसोमल कॉम्प्लेक्स में रहेंगे दोनों सेंट्रोसोम, और इनका सेपरेशन शुरू होगा प्रोफेज में। कैसे सेपरेट होते हैं, सेपरेशन के लिए कौन मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन प्रोफेज सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड टू सेंट्रियोल पेयर। सेंट्रियोल पेयर का मतलब हो गया एक सेंट्रोसोम आर स्टार्ट टू मूव अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस इन ए प्रोसेस नोन एज सेंट्रोसोम डिसजंक्शन। तो जब इनका मूवमेंट शुरू होता है एक से दूसरे जाते हैं, देखिए अभी यहां पर एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स में है। प्रोफेज में ये एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करेंगे। जब आप पढ़ते हैं कि पोल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको जनरली एक स्टूडेंट कहता है कि सेल डिवीजन के समय पोल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इन्हीं सेंट्रोसोम को हम लोग पोल्स कहते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहां पर ये एक ही कॉम्प्लेक्स में है G2 में, ये एक ही सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स में है। प्रोफेज में ये एक दूसरे से अलग होने लगेंगे, हम इसी प्रोसेस को सेंट्रोसोम डिसजंक्शन कहते हैं। तो सेंट्रोसोम्स का एक दूसरे से अलग हो करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना ही वो प्रोसेस है जिसे हम सेंट्रोसोम डिसजंक्शन कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद ये यस फेज का कॉन्सेप्ट हुआ, तो यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आपको वो ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है सेंट्रोसोम का डबल होना, डुप्लीकेशन। कल मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हुए थे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार स्टूडेंट को लगता है वो रेप्लिकेशन का होगा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि वो सेल डिवीजन का होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एज ए स्टूडेंट आपको आंसर देना है। यूकैरियोटिक सिस्टम में रेप्लिकेशन मल्टीपल साइट्स पर होता है, ओरिजिन साइट्स हमारे क्रोमोसोम्स पर बहुत सारी होती हैं, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम पर एक सिंगल ओरिजिन साइट होती है। तो कल जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पास हमारे क्रोमोसोम्स पर मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स हैं, और उन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स पर रेप्लिकेशन की शुरुआत एक साथ सभी पर नहीं होती है। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स जो यूक्रोमेटिन में है वहां रेप्लिकेशन पहले स्टार्ट हो जाएगा, और जो ओरिजिन साइट्स हेट्रोक्रोमेटिन में है वहां पर रेप्लिकेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। उसका कारण यह है कि वहां के डीएनए को पहले अनफोल्ड करना है, जिससे हमारी रेप्लिकेशन इनिशिएट करने वाली प्रोटीन्स की एसेसिबिलिटी उन टारगेट ओरिजिन साइट्स के लिए इंक्रीज हो, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस भी हैं जिनमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए। चलिए अब G2 फेज में आते हैं कि G2 फेज में क्या होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रोसोम्स भी हमारा डबल हो गया, तो G2 में क्या होना है। अभी एक फंक्शन आपने यहां पर पढ़ लिया पीछे कि G2 में जो सेंट्रोसोम्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी ग्रोथ होगी। G2 गैप टू फेज है, इस फेज में सेल की ग्रोथ होती है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये आता है, यदि कोई डीएनए कहीं पर डैमेज हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डीएनए डैमेज प्रेजेंट है, उसको रिपेयर करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी डबल होते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डिवाइड करते हैं, पेरोक्सिसोम का नंबर इंक्रीज करता है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन भी ग्रो करती है। उसका कारण है कि जब एक सेल का डिवीजन दो डॉटर सेल्स में होगा तो सभी को सफिशियंट अमाउंट में मेम्ब्रेन्स मिल सके और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी मिल सके। इस वजह से गैप टू फेज भी एक ग्रोथ फेज है, जहां पर आप कह सकते हैं लास्ट स्टेज में सेल अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी ग्रोथ है, उसको कंप्लीट करती है, और देन वो माइटोसिस में इंटर करती है। तो प्रेजेंट बिटवीन यस फेज एंड यम फेज, आपको ये ध्यान रखना है, अलाउ ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अभी जैसा मैंने कहा कि लगभग जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन करना, और देन इसके बाद उनकी प्रॉपर ग्रोथ करना, और जो प्रोसेस रह गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है डिवीजन के समय, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स को सफिशियंट मिले, तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिवीजन होगा, तो ऑर्गेनल्स भी यहां पर ग्रो करते हैं और
डबल होते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जब हम लोग यंग फेज में इंटर करते हैं। मैंने आपको कल यंग फेज माइटोटिक फेज के बारे में बताया कि यंग फेज क्या है, और उसमें हम लोगों ने दो फेज को डिस्कस किया, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। अब आपको पता है कैरियोकाइनेसिस के कुछ सब फेजेस हैं, जैसे प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, देन इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज। अब आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है, ये वो फेजेस हैं जो हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन करेंगे, या ये कहें इन फेजेस में हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यस फेज में हो चुका है, G2 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो G2 में तो आप समझ सकते हैं गैप फेज है, बस डिवीजन से पहले, डिवीजन से जस्ट पहले का ये गैप फेज है, जो रिमेनिंग जरूरत का जितना भी एंजाइमेटिक मशीनरी है, ग्रोथ है, उसे कंप्लीट करना है। जब हम लोग जाएंगे यंग फेज में, तो यंग फेज में दो तरह के प्रोसेस आते हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स, अर्थात क्रोमोसोम्स का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स का डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस की सब फेजेस है, प्रोफेज, प्रोमेटा, ठीक है, मेटा, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे पहले जब हम लोग यंग फेज में इंटर करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोफेज। तो जैसे ही कोई सेल G2 फेज से इंटर करती है यंग फेज में, तो यंग फेज में इंटर करने का मतलब है सबसे पहला फेज है प्रोफेज, और आप जानते हैं टेलोफेज के बाद ही होती है साइटोकाइनेसिस, और इन सभी फेजेस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो जैसे ही हम लोग G2 से पहुंचेंगे यंग फेज में, तो हमारा फेज होगा प्रोफेज। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या है, अर्थात हम लोग डिवीजन को यंग फेज में लेकर के चल रहे हैं, और यंग फेज में सबसे पहला फेज कौन है उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला फेज है प्रोफेज, फर्स्ट इज द प्रोफेज। तो सेल डिवीजन में सबसे पहला फेज है, जब यम फेज में हम लोग आएंगे, उसका पहला सब फेज है प्रोफेज। आपको ध्यान रखना है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में क्या होने वाला है। एज ए स्टूडेंट आपको इसे जानना है, इन सभी फेजेस में क्रोमोसोम्स का बंटवारा होना है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होना है कलेक्टिवली। लेकिन कौन सी फेज में क्रोमोसोम से रिलेटेड क्या चेंजेस होने हैं, और सेल साइकिल में कौन से इवेंट्स में चेंज होने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो सभी फेजेस के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप उसे जाने और स्टेप वाइज हम लोग उनको पढ़ेंगे तो आपको डिवीजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब सेल साइकिल यंग फेज में इंटर करती है तो सबसे पहला फेज यंग फेज का प्रोफेज है, और प्रोफेज में सेल डिवीजन के तीन महत्वपूर्ण इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। प्रोफेज में सेल डिवीजन की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं कंप्लीट होती हैं। एज ए स्टूडेंट आप इसे समझें, पहला तो जब हम सेल डिवीजन में प्रोफेज में इंटर करेंगे तो हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। जैसा आप लोग बुक्स में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं वो माइटोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमारे क्रोमोसोम्स अनफोल्डेड स्टेट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्योंकि वो कई सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको इंडिविजुअली वहां से रिकॉग्नाइज कर पाना, आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो आप एक कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं जब सेल डिवीजन
हम लोग पढ़ते हैं, तो आप जो ये कॉमन स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर सेल डिवीजन के समय ही अपीयर होता है, नहीं तो हमारे जो डीएनए हैं वो इस तरह से कुछ उलझे हुए से हमारे सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े होते हैं, लेकिन डिवीजन के समय ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेज के तीन मेजर इवेंट्स हैं, और वो इवेंट्स कौन कौन से हैं आपको ये जानना है। उसी तरीके से प्रोफेज के मेजर इवेंट्स क्या होंगे प्रो मेटाफेज के, उसको जानेंगे। मेटाफेज में क्या होना है उसे जानेंगे। एनाफेज और टीलोफेज में क्या होने वाला है उन इवेंट्स को जानेंगे। तो जो मैं इवेंट्स यहां पढ़ा रहा हूं आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो तीन मेजर इवेंट्स प्रोफेज में कंप्लीट होने वाले हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान है, नहीं तो प्रोफेज और प्रोमेटा और मेटाफेज में स्टूडेंट से पूछो कुछ पता ही नहीं चलता है, वो सारी चीजों को मिक्स करके पढ़ लेता है, कुछ क्लियर नहीं होता है कि प्रोफेज में क्या होने वाला है। तो देयर आर थ्री मेजर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज। वन इज क्रोमोसोम कंडेंसेशन, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस, आपको ध्यान रखना है, एंड थर्ड इज डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप का डिसअपीयरेंस होना, क्रोमोसोम्स का कंडेंस होना, और माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस का असेंबल होना। अर्थात माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस जिसे क्रोमोसोम्स का बंटवारा करना है, वो मशीनरी जो क्रोमोसोम का बंटवारा करेगी उसे हम माइटोटिक स्पिंडल बोलेंगे। उसकी असेंबली होना, क्रोमोसोम्स का कंडेंस होना, और न्यूक्लियर इनवेलप का डिसअपीयर होना, ये तीन मेजर इवेंट्स हैं। उनके क्या है मतलब मायने हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, और इन कॉन्सेप्ट के पीछे की साइंस क्या है हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है प्रोफेज में क्या होना है। तो आपका पहला आंसर है कि प्रोफेज में हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। दूसरा, हमारे सेल में जो हमारा पहले से प्रेजेंट माइक्रोटिब्यूल स्ट्रक्चर है वो डीपॉलीमराइज करता है, और डीपॉलीमराइज होने के बाद वो पॉलीमराइज करता है, माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स का बंटवारा करेंगे। और तीसरा ये है कि हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, हमारे न्यूक्लियस को कवर करने वाली जो दो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो डिसअपीयर हो जाती है, जिससे हमारे क्रोमोसोम्स एक्सपोज हो जाते हैं साइटोसोल में, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की असेंबली साइटोसोल में होगी, और माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस साइटोसोल में रिलीज होने वाले क्रोमोसोम्स को कैप्चर कर सके और देन मिड पॉइंट पर अरेंज कर सके। तो ये तीन मेजर स्टेप्स हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि प्रोफेज में क्या होने वाला है, ये पॉइंट आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चंदन का आंसर है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीज इन प्रोफेज। सेल का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है चंदन का कहना है वो डिक्रीज कर गया है प्रोफेज में। तो चंदन से मेरा पलट के क्वेश्चन है, यदि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर गया है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो एटीपी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी आगे फंक्शंस हैं वो एनर्जी डिपेंडेंट हैं, बिना एनर्जी के कोई फंक्शन होने वाला है नहीं। तो यदि हम प्रोफेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, मेटाबॉलिज्म का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो कंडेंसेशन कैसे करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम को कंडेंस करने के लिए हमें एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स की जरूरत है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल पर लोग कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, मेटाबॉलिज्म बंद होने का मतलब है सेल की डेथ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं क्रोमोसोम कंडेंसेशन। आप यहां समझ लें, ये हमारा डीएनए है जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये डीएनए हमारा कंडेंस होना शुरू होगा, क्योंकि यस फेज में ये रिप्लिकेट हो चुका है, और आगे हम लोग जाएंगे तो ये हाईली कंडेंस्ड स्टेट में आ जाएगा। तो जरा आप लोग इस पॉइंट को यहां पर देख सकते हैं कि हमारा डीएनए अनफोल्डेड स्टेट में था। अनफोल्डेड स्टेट के बाद जैसे ही हम लोग G2 फेज के एंड पर पहुंचते हैं, अर्थात हम प्रोफेज में पहुंचने वाले हैं, हमारे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वो कंडेंस होने लगते हैं, क्योंकि हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स
में यदि हम देखेंगे तो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं, इस स्टेज में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फोल्डिंग होती जाएगी सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर होते जाएंगे, हम लोग उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ जिसे हम माइटोटिक क्रोमोसोम कहेंगे, माइटोटिक क्रोमोसोम। तो सभी लोग पहले तो इस पॉइंट को समझ लें, माइटोटिक क्रोमोसोम क्या है। तो माइटोटिक क्रोमोसोम एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। पहले नॉर्मली जब हम लोग G2 फेज में हैं तो ये डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, ये अनफोल्डेड स्टेट में प्रेजेंट है। हम लोग यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं समझ सकते, यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही प्रोफेज में पहुंचे ये कंडेंस होने लगे, ये स्ट्रक्चर फोल्ड होने लगा। और मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको फोल्डिंग का पैटर्न बताया हुआ था कैसे क्रोमोसोम्स फोल्ड होते हैं, और वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या रिलेशन है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फोल्डिंग के बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो ये फोल्ड होने लगा, देखिए स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। इस स्ट्रक्चर से आगे वाला स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, इसका मतलब है पहले फोल्डिंग हुई फिर ये और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और जब हम प्रोफेज के एंड पर पहुंचेंगे तो हमें लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर अपनी सेल्स में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग हो रही है प्रोफेज में। अब क्वेश्चन उठता है कौन सी एंजाइमेटिक मशीनरी है, कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इस फोल्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं और उनका क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन इंटरफेज, जब हम इंटरफेज में होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर आर सो लॉन्ग, इंटरफेज मतलब G1S और G2 की बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर काफी बड़े होते हैं। क्रोमेटिन का मतलब आप जानते हैं डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग, लेस कॉम्पैक्ट एंड इंटरवाइंड, जब हम इंटरफेज में होते हैं तो हमारे क्रोमेटिन फाइबर काफी लॉन्ग हैं, आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, वो लेस कॉम्पैक्ट हैं, ऐसा नहीं कि कॉम्पैक्ट नहीं है, 30 nm फाइबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेस कॉम्पैक्ट हैं और इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब हमारी यदि ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या वो अलग अलग होंगे, काफी बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो एक दूसरे में उलझे हुए से समझ में आ रहे होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। एंड आर नॉट आइडियली सूटेड फॉर सेग्रीगेशन इनटू टू डॉटर सेल्स, और ऐसी कंडीशन में ये क्रोमोसोम्स जो लेस कंडेंस्ड हैं, लॉन्ग हैं, ये हमारे सेग्रीगेशन के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि इनका सेग्रीगेशन करेंगे तो उलझे हुए, खींचेंगे तो टूट जाएगा बीच से। तो प्रॉपर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए क्रोमोसोम की फोल्डिंग जरूरी है, क्योंकि यदि न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोग देखेंगे इंटरफेज में तो वो सब एक दूसरे से उलझे हुए से नजर आते हैं, और किसी भी थ्रेड को खींचेंगे, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को यदि मोटर प्रोटीन्स खींच करके मूव करा करके एक पोल से दूसरी पोल की तरफ ले जाना चाहेंगे तो वो टूटने के चांस है। इस वजह से प्रॉपर हमारे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो, इस वजह से इनका फोल्ड होना जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। एज द सेल इंटर इनटू G2, जैसे ही सेल G2 में इंटर करती है, द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस इनटू मच शॉर्टर एंड थिकर एज वेल एज माइटोटिक। यहां पर थोड़ा सा एक गलती हो रही है, यहां पर जो टाइपिंग है वो थोड़ी गलती यहां पर हो गई है, G2 फेज नहीं, यहां पर फेज होगा प्रोफेज। तो जैसे ही हमारी सेल G2 से इंटर करती है प्रोफेज में, वैसे ही हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू होता है एज सेल इंटर इन प्रोफेज, द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस इनटू मच शॉर्टर, आपको ध्यान रखना है। जब ये फोल्ड होंगे तो देखिए मैंने यहां पर ये लॉन्ग बनाया है, इसे छोटा कर दिया है, मच शॉर्टर थिकर स्ट्रक्चर इंटू वेल डिफाइंड माइटोटिक क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोसिस के समय अपीयर होता है, जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। नॉर्मली हमारी सेल्स में इस लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इंटरफेज में हमारा डीएनए लेस कंडेंस्ड फॉर्म में है, वो एक वेल डिफाइंड माइटोटिक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में नहीं है,
लेकिन जैसे ही हमारी सेल इंटर करती प्रोफेज में, हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और वो एक स्मॉल थिक स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, जिसे हम लोग माइटोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। आप समझ सकते हैं इस माइटोटिक क्रोमोसोम में इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है तो उसी के जैसा एक आइडेंटिकल कॉपी और बनता है, उन्हीं दोनों आइडेंटिकल कॉपी को यहां पर हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि रेप्लिकेशन के समय ये अलग नहीं हुए? अर्थात ये दोनों हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल्स ही, सिस्टर क्रोमेटिड्स दो डीएनए मॉलिक्यूल ही तो हैं। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन में आते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग कहते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के समय हमें क्या मिलेंगे, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स, एक डीएनए मॉलिक्यूल और एक डीएनए मॉलिक्यूल ये मिल गया, तो दो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। यहां पर इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को ही हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं, क्योंकि रेप्लिकेट करने के बाद ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ असेंबल होते हैं, इस वजह से क्रोमेटिड्स कहते हैं, और दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के बाद एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हुए, वो एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, एक क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब लेस कंडेंस थे, ये फोल्डेड नहीं थे, तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि इनमें फोल्डिंग शुरू हो गई? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रोफेज में इंटर करते हैं तो प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स के साथ आकर के बाइंड करती हैं, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ आकर के बाइंड करती हैं और उसे कंडेंस कराती हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, कौन से फेज में बाइंड करते हैं, उनके क्या प्राइमरी फंक्शन है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों का बैकग्राउंड ये हो गया क्रोमोसोमल कंडेंसेशन में कि जब इंटरफेज में है तो क्रोमोसोम कंडेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रोफेज में पहुंचते हैं तो हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू होते हैं और एक वेल डिफाइंड माइटोटिक क्रोमोसोम में वो फोल्ड हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब इस स्ट्रक्चर में ये फोल्ड हो गए तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कैसे हो पाया, ये कैसे संभव हुआ? तो उनका जवाब देने के लिए हम लोग कहते हैं कि ऐसा इस वजह से हुआ कि कुछ प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड करके उनको फोल्ड करा रही हैं। वो प्रोटीन कौन सी हैं, वो किस तरह का रोल प्ले करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ए माइटोटिक क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्म्ड बाय आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यस फेज, जब यस फेज में रेप्लिकेशन हुआ तो ये प्रोड्यूस हुए। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आप सभी लोग जानते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक कॉमन सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर टीथर्ड एट ए सिंगल फंक्शनल सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से इनको हम एक क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब आपके आपको ध्यान रखना है कोहेशन, कोहेशन का मतलब है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ बनाए रखना, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक साथ बने रहना, कोहेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम, कंडेंसेशन आर मीडिएटेड बाय कोहेसेंस एंड कंडेंसेंस प्रोटीन्स रेस्पेक्टिवली। आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है, जैसा अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग क्यों नहीं हुए और फोल्डिंग क्यों हुई, इसके पीछे कौन है, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ध्यान रखना है दो प्रोटीन्स हैं, एक को हम कोहेसेंस नाम दे रहे हैं, दूसरे को नाम दे रहे हैं कंडेंसेंस। सूरज प्रताप सिंह बोल रहे हैं सर जी टू फेज फिर आ गया है, मुझे लग रहा है आप मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा कि हम लोगों ने फेज डिवाइड कर रखे हैं, सेल के लेवल पर ऐसा नहीं है कि फेजेस अलग अलग हैं, सेल के लेवल पर ये पूरा एक कॉमन प्रोसेस है, हम लोगों ने उनको फेज में डिवाइड कर लिया कि ये फेज, ऐसा तो है नहीं कि जी टू फेज कंप्लीट हो गया तो वहां पर घंटी बजा दी गई स्कूल्स की तरह कि चलिए अब छुट्टी हो गई है, अब यहां दो घंटे आराम करना है,
तो आप उस चीज को समझिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब लेट जी टू में आएंगे तो लेट जी टू में ही ये रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। ऐसा नहीं कि जब हम लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बाल में खाल आप निकालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी हैं, आप उसमें फंस जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझें कि जब सेल डिवीजन पहुंच रहा है प्रोफेज में, ऐसी कंडीशन में हमारे यम सीडी के साइक्लिंस, मैंने सीडी के साइक्लिंस को अभी रखा नहीं है यहां पर, क्योंकि सीडी के साइक्लिंस और रेगुलेशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं इसी के साथ डिस्कस करने लगूंगा तो एज ए स्टूडेंट आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं रेगुलेशन पढ़ रहा हूं या डिवीजन पढ़ रहा हूं। तो जितने भी प्रोटीन्स यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं, जितने भी प्रोसेस यहां पर शुरू हो रहे हैं, वो कैसे शुरू हो रहे हैं, उसके पीछे कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी हम लोग वन आफ्टर वन पढ़ेंगे रेगुलेशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आ गया जी टू फेज। मैंने यहां पर चेंज कर दिया था, ये जी टू कॉन्सेप्ट को मैंने चेंज कर दिया था कि जी टू फेज दोबारा आ गया। मैंने कहा था कि ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, इस वजह से आप इसको ध्यान रखें, ये प्रोफेज है ना कि जी टू फेज है। अब टाइपिंग करने वाला इतना ही बेहतर होता तो मुझे आना ही नहीं पड़ता, फिर तो वही पढ़ा लेता। तो आपको थोड़ा सा उसका भी ध्यान देना है, तो जो टाइपिंग वाला है उसको भी ध्यान देना, उसको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए। और यदि इतना ही बेहतर होता तो वो पढ़ा लेता। तो आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें और मुझे ध्यान से सुने। आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुने, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रखा है और आप उसके बारे में जानते हैं, और आपने यदि किसी से पढ़ा होगा तो हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना तरीका होता है, वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको समय के साथ मिलेगा। तो कई बार आप कुछ चीजें जानते हैं और आपको लगता है कि सर ने मुझे यहां नहीं बताया, प्रोफेज में आपने कुछ पढ़ रखा है और मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं तो आपको लगता है शायद मुझे नहीं बताया गया। तो आप इस चीज में थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूं कि सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, थोड़ा समय दीजिए। और एक बार हम लोग जब भटक जाते हैं तो सारी समस्याएं फिर खड़ी हो जाती, फिर कहां से शुरू करें। चलिए, मैंने आपसे ये कह दिया कि नॉर्मली हमारे क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड स्टेट में है। देखिए, एज ए स्टूडेंट जिस लेवल के आप एग्जाम में जाते हैं वहां पर केवल ये नहीं है कि आपको प्रोटीन्स के नाम पता है, आपको कुछ पता है। जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल ये पूछ लिया गया माना कि एटीपी सिंथेस कहां पाया जाता है, यदि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो भी आपका आंसर सही। हम लोग जिस तरह के एग्जाम में जाते हैं वहां दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उस सीक्वेंस में प्रोटीन्स कब इन्वॉल्व हो रही, कौन सी प्रोटीन का फंक्शन किसके बाद शुरू होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट बहुत सारे लोग इस चीज पर इस दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते, उनको लगता है केवल पढ़ना है। तो पढ़ने में भी आप अपने एग्जाम को ध्यान रखें, कई क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आप अरेंज कर दीजिए कौन सा इवेंट्स किसके बाद शुरू होगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे, एक के बाद एक जो शुरू होता है, और उसमें इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स भी, और सामान्यता आपको यह भी पता चले कि क्या होने वाला है, ओवरऑल क्या होने वाला है। इस वजह से मुझे कई बार बोलना पड़ता है, बार बार उन्हीं चीजों को बोलना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। तो अब मैं फिर दोबारा शुरू कर रहा हूं और कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अनकंडेंस्ड स्टेट में, देन इसके बाद उसकी फोल्डिंग शुरू हुई और एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम में ये कंडेंस हो गया। इस पूरे कंडेंसेशन की प्रोसेस प्रोफेज में ही शुरू होगी, और जब हम क्रोमोसोम कंडेंसेशन और उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स के कोहेशन की बात करते हैं तो यहां पर दो प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। एक प्रोटीन का नाम है कोहेसिन और दूसरे का नाम है कंडेंसिन, क्योंकि कई सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो यहां पर कोहेसिन्स एंड कंडेंसिन्स टर्म लिखा हुआ है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जब प्रोफेज में शुरू होता है तो यह प्रोटीन डिपेंडेंट है, और कंडेंसेशन से ही प्रोटीन को नाम दे दिया गया कंडेंसिन्स। यहां से क्वेश्चन भी बन चुका है सीएसआईआर में।
और सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ होल्ड रखने का, अर्थात सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ बनाए रखने का काम कोहेसिंस का है, आपको ध्यान रखना है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ बनाए रखना और हमारे क्रोमोसोम्स को कंडेंस करने का फंक्शन कोहेसिंस और कंडेंसेंस का है, आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, इस वजह से रेस्पेक्टिवली लिख दिया। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने एसएमसी प्रोटीन के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, दोनों कोहेसिन और कंडेंसेंस रिलेटेड प्रोटीन है और एसएमसी प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, ऐसी प्रोटीन जिनका रिलेशन हमारे क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग से है, हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस से है, उनको हम लोग नाम दे देते हैं एसएमसी। आपको ये भी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन फैमिली। तो कंडेंसेंस एंड कोहेसेंस बिलोंग्स टू एसएमसी फैमिली, आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कोहेसिन का रोल क्या है, कंडेंसेंस का रोल क्या है। अब सभी लोगों को थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, मैं सबसे पहले कोहेसिन के बारे में बता रहा हूं, कोहेसिन का रोल क्या है। तो सबसे पहले कोहेसिन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, होल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ होल्ड करना टुगेदर। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, तो यहां पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड रखने का फंक्शन कोहेसिन का है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब सभी लोगों को ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन और भी बन रहे हैं। कोहेसिन सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करते हैं, मैं इस जगह पर स्ट्रक्चर सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना रहा हूं और आप लोग सभी लोग इस पॉइंट को समझ जाएंगे। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इन दोनों को होल्ड करने का फंक्शन, मैं यहां पर इस तरीके से कोहेसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ये कोहेसिन प्रोटीन है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड कर रही है, ये कोहेसिन। अब क्वेश्चन ये उठता है, एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, कोहेसिन प्रोटीन डीएनए के साथ कब बाइंड हुई, डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा है, हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है प्रोफेज में। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कंडेंसेशन प्रोफेज में हो रहा है, हम लोग दो पॉइंट एक साथ लेके चल रहे हैं, एक तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ होल्ड रखने का फंक्शन और दूसरा क्रोमोसोम्स को कंडेंस कराने का फंक्शन। तो पहला कोहेसिन प्रोटीन और कंडेंसिन प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि दो प्रोटीन्स हैं, फिर कोहेसिन को रखा और कोहेसिन के बारे में लिखा कि ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करती हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी आता है, हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है, कोहेसिन प्रोटीन सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये डीएनए से कब बाइंड करती हैं, प्रोफेज में, G2 फेज में, यस फेज में या G1 फेज में, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब कोहेसिन प्रोटीन सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड किए रहेंगी तो इनके अलग होने की संभावना नहीं है, अलग नहीं होने देगी क्योंकि फंक्शन ही इनका है होल्ड करना, तो कोहेसिन प्रोटीन रिलीज कब होती है हमारे क्रोमोसोम से, कोहेसिन प्रोटीन का डिसोसिएशन कब होता है, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है, चंद्रकांत ने दिया लेट G1 में और अर्ली एनाफेज में, तो चंद्रकांत ने लेट G1 और अर्ली एनाफेज के बारे में बता दिया है। चलिए हम लोग इनको चेक करेंगे कि चंद्रकांत सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं और इस पॉइंट को भी डिसीजन हो जाएगा। तो सभी लोगों को पहले ध्यान देना है, मैं कोहेसिन के बारे में यहां बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को यहां पर रख रहे हैं, ये है हमारा G1 फेज, आपको ध्यान रखना है ये G1 फेज है, ये यस फेज है,
ये यस फेज है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। ये हमारा क्रोमोसोम है, ये अनरेप्लिकेटेड है और जब ये यस फेज में पहुंचा तो यस फेज में इसका रेप्लिकेशन हो गया। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ये कंडीशन है और मैं यहां पर जीवन लिख रहा हूं, ये यस फेज है। कोहेसन प्रोटीन कब बाइंड होती है, इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप समझ लिए कौन सही होगा कौन सा गलत होगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि यस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट होने दिया जाए, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, जब रेप्लिकेट हो गया दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस हो गए तो हम ऊपर से कोहेसिन प्रोटीन को डालें। आप फिजिकली शायद इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, ऊपर से हम लोग कोहेसिन प्रोटीन को इसमें डाल करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जैसे आपने देखा होगा चूड़ियां बनी बनाई आती हैं और महिलाएं पहन लेती हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ कि पहले हमने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट होने दिया और दोनों क्रोमोसोम जब अपियर हो गए, दोनों क्रोमेटिड्स जब अपियर हो गए, क्रोमेटिड्स अपियर होने के बाद हमने उनके एंड से कोहेसिन प्रोटीन को उनके साथ बाइंड कराना शुरू किया, एसोसिएट कराना शुरू किया। एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, या एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ था उस रेप्लिकेशन से पहले ही कोहेसिन प्रोटीन को डीएनए के साथ बाइंड करा दिया, कोहेसिन प्रोटीन डीएनए के साथ आकर के बाइंड हो गई कुछ इस तरीके से, और बाइंड होने के बाद रेप्लिकेशन हुआ। अर्थात रेप्लिकेशन तब हुआ जब कोहेसिन प्रोटीन्स आकर के क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड हो गई और अंदर ही अंदर रेप्लिकेशन हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो प्रोड्यूस हुए वो कोहेसिन प्रोटीन होल्ड किए। अर्थात रेप्लिकेशन से पहले कोहेसिन की बाइंडिंग क्रोमोसोम से हो गई। टेक्निकली और मैकेनिकली यदि हम लोग देखें तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार रेप्लिकेशन हो गया तो क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड स्टेट में होंगे और इनके एंड कितने बिखरे हुए होंगे इसको संभाल पाना संभव नहीं होगा सेल के लिए। इस वजह से कोहेसिन प्रोटीन का एसोसिएशन क्रोमोसोम से लेट जीवन में होता है। अब यहां पर भी लेट जीवन याद रखिएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन यस फेज में शुरू होगा, तो लेट जीवन में आपको ध्यान रखना है कोहेसिन प्रोटीन की बाइंडिंग होती है क्रोमोसोम के साथ और देन इसके बाद यस फेज में रेप्लिकेशन होगा। अर्थात रेप्लिकेशन होने से पहले ही कोहेसिन प्रोटीन आकर के बाइंड हो गई। यहां पर जरूर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेज के बारे में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करना, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम माइटोटिक क्रोमोसोम अपियर होता है वो माइटोटिक क्रोमोसोम हमें प्रोफेज में मिलता है, प्रोफेज में दिखाई पड़ता है, तो हम लोग बात वहां कर रहे हैं, लेकिन कोहेसिन की बाइंडिंग लेट जीवन में हो चुकी है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि कोहेसिन का डिसोसिएशन कब होगा, मोस्ट ऑफ कोहेसिन कब डिसोसिएट होंगे, इसको भी ध्यान रखना है। तो चंद्रकांत ने भी आंसर दिया कि मोस्ट ऑफ कोहेसिन का डिसोसिएशन एनाफेज में होगा या एनाफेज में वो डिसोसिएट हो जाएंगे। मैं मोस्ट टर्म हटा लेता हूं, जीवन और अर्ली एनाफेज। तो आपको ध्यान रखना है अर्ली एनाफेज में थोड़ी बहुत कोहेसिन प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा जो सेंट्रोसोम पर है। मोस्ट ऑफ कोहेसिन प्रोटीन्स प्रोफेज में ही डिसोसिएट हो जाती हैं। प्रोफेज में जैसे ही कंडेंसेशन शुरू होता है तो डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट को भी आप समझने की कोशिश करें, जब हम प्रोफेज में आएंगे तो हमारे क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे। अर्थात जो ये लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब हम लोग प्रोफेज में पहुंचेंगे तो प्रोफेज में हमारे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू होगा और वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे। जब कंडेंस हो जाएंगे तो उनकी लेंथ घटेगी, जब लेंथ घटेगी तो मोस्ट ऑफ कोहेसिन प्रोटीन्स डिसोसिएट हो जाएंगे। यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखना है और इस तरीके से चंद्रकांत का आंसर गलत हो गया है।
मोस्ट ऑफ कोएसिन प्रोटीन्स, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कोएसिन प्रोटीन्स डिसोसिएट्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज व्हेन क्रोमोसोम कंडेंस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ है वो कंडेंसेशन से डिक्रीज करेगी और इस तरीके से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि होल्ड कौन किए हैं, तो प्रोफेज में जब क्वेश्चन प्रोटीन्स रिलीज होती हैं तो उसके सेंट्रोमियर रीजन पर बहुत सारी क्वेश्चन प्रेजेंट रहती हैं जो इसको होल्ड किए रहती हैं, तो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर रीजन पर एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि यहां पर कोएसिन प्रोटीन्स रिलीज नहीं होती, उसका कभी कारण बताएंगे क्यों रिलीज नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोएसिन्स के बारे में, फंक्शन क्या है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करना, क्रोमोसोम से कब बाइंड हुई, बिफोर रेप्लिकेशन या आफ्टर रेप्लिकेशन, साइंटिफिक तौर से कहें प्री रेप्लिकेशन या पोस्ट रेप्लिकेशन, तो प्री रेप्लिकेशन लेट जीवन में। मोस्ट ऑफ कोएसिन प्रोटीन्स डिसोसिएट कब होती हैं, प्रोफेज में जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, तो कंडेंसेशन में उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो कम होती, इस वजह से कोएसिन प्रोटीन्स डिसोसिएट हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिसोसिएशन हो गया है, क्योंकि सेंट्रोमियर रीजन पर कोएसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड किए रहती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कोएसिन प्रोटीन्स का डिसोसिएशन प्रोफेज में किसने ट्रिगर किया, पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे क्या यहां तक समझ पा रहे हैं, आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहां तक सभी लोग समझ पा रहे ठीक है, सभी लोग अरुण, रजनी, मनोज, उपासना, पूनम, मयंक, अदिति, चलिए ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डिसोसिएशन किसने ट्रिगर किया, क्यों डिसोसिएट हो रहा है, प्रोफेज में डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें, प्रोफेज में डिसोसिएशन किसने ट्रिगर किया, तो आपको ध्यान रखना है इन प्रोफेज, प्रोफेज टू काइनेजेस, यदि हम लोग प्रोफेज की बात करेंगे तो दो काइनेजेस हैं, वन इज पोलोलाइक काइनेजेस, पोलोलाइक काइनेज एंड सेकेंड इज अरोरा बी काइनेज। सभी लोग यहां पर ध्यान दें, मैं दो काइनेज एंजाइम की बात कर रहा हूं, इन काइनेज एंजाइम से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जब हम कोहेसिन के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ कोहेसिन्स प्रोफेज में डिसोसिएट होती हैं, उसका रीजन ये है प्रोफेज में दो काइनेज पोलोलाइक काइनेज एंड अरोरा बी काइनेज फास्फोराइलेट कोहेसिंस, फास्फोराइलेट कर देते हैं कोहेसिंस को और फास्फोराइलेशन होते ही कोहेसिंस का डिसोसिएशन शुरू हो जाता है, कोहेसिंस डिसोसिएट फ्रॉम क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज में डिसोसिएशन, मोस्ट ऑफ कोहेसिंस का लेट जीवन में बाइंडिंग, डिसोसिएशन कैसे होता है, तो जब इनका फास्फोराइलेशन होगा तो डिसोसिएशन होगा, कौन से एंजाइम्स फास्फोराइलेट करते हैं, तो पोलोलाइक काइनेज एंड अरोरा बी काइनेज, आपको यह ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जब इन एंजाइम्स ने फास्फोराइलेशन कर दिया,
कोहेसिन प्रोटीन्स का इनका डिसोसिएशन शुरू हो गया, तो फिर सेंट्रोमेरिक रीजन पर जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमेरिक रीजन पर कोहेसिन प्रोटीन्स का डिसोसिएशन क्यों नहीं हुआ? चंद्रकांत ने जो आंसर दिया था वो आंसर सही है, लेकिन वो आंसर आधा सही है। कई सारी कोहेसिन जो कोहेसिन प्रोटीन सेंट्रोमियर रीजन पर है उनका डिसोसिएशन एनाफेज के स्टार्ट होने पर होगा, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो सकें। तो एनाफेज में जब हम लोग पहुंचेंगे और शुरुआत करेंगे तो यहां की कोहेसिन प्रोटीन्स का डिसोसिएशन होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसी पॉइंट पर हम लोग हैं कि मोस्ट ऑफ कोहेसिन्स का डिसोसिएशन हो गया, लेकिन सेंट्रोमियर रीजन पर कोहेसिन्स का डिसोसिएशन क्यों नहीं हुआ, और इसकी वजह से हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर रीजन पर एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं, और ये तब तक अलग नहीं होंगे जब तक एनाफेज शुरू ना हो। तो कोई जवाब देना चाहेगा? कोई आंसर देना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपसे यहां पर कह देता हूं, बहुत ही आसान है। हमारे सेंट्रोमियर रीजन पर जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर रीजन है वहां पर फास्फाटेज प्रेजेंट होते हैं। फास्फाटेज एंजाइम कोहेसिन पर ऐड होने वाले फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। जैसे ही रिमूव कर देते हैं और इस कारण वहां से डिसोसिएशन नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है हमारे सेंट्रोमियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं फास्फाटेज। सेंट्रोमियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं फास्फाटेज एंजाइम। ये एंजाइम कोहेसिन पर ऐड होने वाले फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं। जैसे ही फास्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है इन काइनेज के द्वारा, वैसे ही फास्फाटेज सेंट्रोमियर रीजन पर प्रेजेंट कोहेसिन से फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में यहां पर प्रेजेंट कोहेसिन्स का डिसोसिएशन क्रोमोसोम से नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंट्रोमियर रीजन पर फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कोहेसिन्स पर ऐड होने वाले फास्फेट को रिमूव कर देता है, और रिमूव करते ही वो प्रोटीन्स डिसोसिएट नहीं होंगी क्योंकि फास्फोराइलेशन डिसोसिएशन को ट्रिगर करता है। वहां से जैसे ही फास्फेट ऐड हुआ, फास्फेटेज एंजाइम ने उस फास्फेट को वहां से रिमूव कर दिया, इस वजह से इनका डिसोसिएशन नहीं होता है। और शायद मुझे आप लोग सभी बताएंगे, क्या इस पॉइंट को लेकर के आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कोहेसिन्स का रोल क्या है, कोहेसिन्स की बाइंडिंग कब है और कोहेसिन का डिसोसिएशन कब है, और मोस्ट ऑफ कोहेसिन्स कब डिसोसिएट हुई, डिसोसिएशन को किसने ट्रिगर किया, और सेंट्रोमियर रीजन पर कोहेसिन्स का डिसोसिएशन क्यों नहीं हुआ। क्या आप लोग इन पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं? ठीक है, कई लोगों ने यस सर लिख दिया है, तो मैं इसको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं। आपको ध्यान रखना है कोहेसिन्स का फंक्शन है सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड रखना, ठीक है। ये प्रोटीन्स बाइंड होती हैं लेट जीवन में, बिफोर रेप्लिकेशन, अर्थात अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से कोहेसिन्स की बाइंडिंग होती है। कोहेसिन्स बाइंड टू अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स इन लेट जीवन, देन रेप्लिकेशन हुआ
और जब हमारा सेल डिवीजन पहुंचता है प्रोफेज में, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, क्योंकि जब इनकी बाइंडिंग होती है तो पूरी की पूरी लेंथ में कोएसेंस की बाइंडिंग होती है मल्टीपल साइट्स पर, और जब हम पहुंचेंगे प्रोफेज में तो हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगेंगे। कंडेंसेशन के समय दो काइनेजेस एंजाइम पोलोलाइक काइनेज एंड अरोरा बी काइनेज फास्फोराइलेट कर देते हैं कोएसेंस को, जिससे इनका डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन सेंट्रोमियर रीजन पर कोएसेंस का डिसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट फास्फेटेज कोएसेंस पर ऐड होने वाले फास्फेट को रिमूव कर देता है, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम लोग बात कर रहे हैं कोएसेंस के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये पॉइंट मैं पहले आपको बता चुका हूं और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कंडेंसेंस के बारे में कि कंडेंसेंस क्या है और इनका क्या रोल है, तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे कंडेंसेंस का रोल क्या है। कोएसेंस का फंक्शन था सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करना। यदि हम लोग कंडेंसेंस की बात करेंगे तो इनका रोल कुछ अलग तरीके का है। ये हमारा क्रोमोसोम है, आप ऐसा समझ लें ये क्रोमोसोम है। जब कंडेंसेंस की बाइंडिंग शुरू होती है, जब कंडेंसेंस प्रोटीन के साथ आकर के बाइंड होती है, तो क्रोमोसोम्स हमारा कंडेंस होता है। कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम कंडेंस हो गया कंडेंसेंस की बाइंडिंग से। कुछ इस तरीके से, तो देखिए क्रोमोसोम की लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन जब कंडेंसेंस की बाइंडिंग हुई तो क्रोमोसोम हमारा कंडेंस हो गया, एक छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कंडेंसेंस की बाइंडिंग कब होगी और कब कंडेंसेंस का डिसोसिएशन होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और पूछा जा सकता है। क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है प्रोफेज में, तो कंडेंसेंस की बाइंडिंग भी प्रोफेज में होते हैं। देखिए कंडेंसेंस और कोएसेंस बड़े मिलते जुलते नाम हैं, दोनों प्रोटीन्स में काफी क्लोज रिलेशन है और एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन जब हम इनके एसोसिएशन और डिसोसिएशन को देखेंगे क्रोमोसोम से, तो काफी ज्यादा वेरिएशन है। कंडेंसेंस के बारे में जब हम लोग आते हैं तो ये बाइंड करती है प्रोफेज में, इनिशियल प्रोफेज में इनकी बाइंडिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। इनके बाइंड होते ही हमारा क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो जो कोहेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर पढ़ा हुआ है, उसका रिलेशन जीवन से शुरू हुआ और वो सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड किए और तब तक होल्ड किए रहेगा जब तक एनाफेज स्टार्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ कंडेंसेंस की बाइंडिंग होती है प्रोफेज में और ये क्रोमोसोम को कंडेंस करेंगी। जब ये क्रोमोसोम को कंडेंस करेंगी, कंडेंस कर रही होंगी, उसी समय कई सारी कोहेसेंस का रिमूवल हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएंगी, कंडेंसेंस बाइंड रहेंगी। और जब हम पहुंचेंगे लेट टीलोफेज पर, उस कंडीशन पर आकर के टीलोफेज पर जब हम लोग आते हैं, तो वहां पर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे वो डीकंडेंस्ड होने लगते हैं। तो जब हम टीलोफेज पर आएंगे, उस कंडीशन में कोहेसिन प्रोटीन कंडेंसेंस प्रोटीन का डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कंडेंसेंस प्रोटीन की बाइंडिंग प्रोफेज में ही क्यों ट्रिगर हुई, क्यों प्रोफेज में ही बाइंड हुई। तो जैसे ही सेल डिवीजन G2 फेज को या G2 फेज में आता है और G2 फेज से आगे बढ़ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हमारी सेल के लेवल पर MCD के साइक्लिन एक्टिवेट होता है। मैं आगे CD के साइक्लिन्स कई बार बोल रहा हूं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम G2 फेज पर आते हैं और माइटोटिक फेज की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो वहां पर आकर के सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए यम सी डी के साइक्लिन एक्टिवेट होता है, जिसे हम लोग एमपीएफ भी कहते हैं। जैसे वो एक्टिवेट होता है तो वो कंडेंसेंस प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है और फास्फोराइलेटेड कंडेंसेंस बाइंड होने लगती है हमारे क्रोमोसोम के साथ और उसे कंडेंस करने लगती है। ठीक है, कंडेंसेंस आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रोफेज द एक्शन ऑफ कंडेंसेंस एंड टाइप टू टोपोआइसोमेरेज ड्राइव्स क्रोमोसोम कंडेंसेशन। तो जब हम लोग प्रोफेज में पहुंचते हैं तो कंडेंसेंस और टोपोआइसोमेरेज सेकेंड के फंक्शंस के द्वारा हमारे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। कंडेंसेंस आर एक्टिवेटेड एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस बाय फास्फोराइलेशन ऑफ सेवरल ऑफ इट्स सब यूनिट्स बाई सी डी के साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग सेल फ्रॉम जी टू टू माइटोसिस। आप सभी लोग जानते हैं इसे हम लोग एमपीएफ कहते हैं, अर्थात सी डी के वन साइक्लिन बी, सी डी के वन और साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लोग एमपीएफ कहते हैं। ये सी डी के साइक्लिन हमारी कंडेंसेंस प्रोटीन को फास्फोराइलेट करता है और वो डीएनए से क्रोमोसोम से बाइंड होने लगती है, क्रोमोसोम को कंडेंस करती है। तो दोनों की बाइंडिंग और डिसोसिएशन में अंतर है, आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। कोएसिन और कंडेंसेंस का रोल है हमारे क्रोमोसोम्स को कंडेंस करने में। क्या सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि यदि हम लोग सभी लोगों को यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है, मैं कोहेसेंस वाले कॉन्सेप्ट में वापस आ रहा हूं। अब यहां पर बिल्कुल चंद्रकांत, कंडेंसेंस का फंक्शन भी एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंडेंट फंक्शन है। क्रोमोसोम को कंडेंस करना, क्रोमोसोम को ओपन करना, आप लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं और कंडेंस होना, या फिर यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, वहां पर क्रोमोसोम्स को ओपन करने के लिए क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, एटीपी डिपेंडेंट फंक्शन अपने आप थोड़ी है, कोई जादू थोड़ी हो रहा, चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर सभी लोगों को ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी से, कोएसिन प्रोटीन्स का डिसोसिएशन ट्रिगर किया पोलोलाइक काइनेज और अरोरा बी काइनेज ने, जबकि फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है सेंट्रोमियर रीजन पर जिसने कोएसिन प्रोटीन्स के डिसोसिएशन को प्रिवेंट कर दिया है सेंट्रोमियर रीजन पर। यदि इस फास्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया जाए, फास्फेटेज एंजाइम जो सेंट्रोमियर रीजन पर प्रेजेंट है प्रोफेज में, यदि उस एंजाइम की एक्टिविटी को साइलेंट कर दिया जाए तो फिर क्या रिजल्ट होगा? तो क्या रिजल्ट होगा, आप क्या सोच पा रहे हैं? जागृति का आंसर है क्रोमोसोम डिसोसिएट हो जाएंगे। अदिति का आंसर है सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे।
प्रीति सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, डिसोसिएशन मोहित तिवारी डिसोसिएशन हो जाएगा, मोहित तिवारी मतलब हमारे तिवारी जी होंगे, क्रोमोसोम डिसोसिएट होंगे। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर दिया है सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। मयंक सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे, सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे सभी लोग, इससे यह पता चलता है इस फॉस्फेटेज की इंपॉर्टेंस क्या है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, चंद्रकांत ने भी लिखा है। ठीक है प्रवीण, रिमूवल ऑफ कोहेसिन, ठीक है सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो कोहेसिन और कंडेंसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कंडेंसिन के बारे में यह ध्यान रखना है इनकी बाइंडिंग प्रोफेज में होगी, और जो डिसोसिएशन है कोहेसिन का, जो डिसोसिएशन है कंडेंसिन का स्पेशली, वो टीलोफेज में होगा। कंडेंसिन की बाइंडिंग को एमपीएफ सीडीके वन साइक्लिन वन साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर करता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कोहेसिन और कंडेंसिन कलेक्टिवली हमारे क्रोमोसोम्स को होल्ड करती हैं और कंडेंस करती हैं, आप ऐसा समझ लें। लेकिन जब दोनों प्रोटीन को आप अलग अलग करेंगे तो कोहेसिन का फंक्शन है सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करना, और कंडेंसिन का फंक्शन है हमारे क्रोमोसोम को कंडेंस करना। दोनों की बाइंडिंग और डिसोसिएशन अलग अलग फेज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी लोग पहले यहां समझ लें, जो माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारी सेल है और सेल में हमारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर से ये सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम सॉरी सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। इन्हीं सेंट्रोसोम से चारों तरफ आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एज्यूम कर सकते हैं ये माइक्रोटिब्यूल्स रेडिएट करती हैं। तो ये माइक्रोटिब्यूल्स हमारी सेल में रेडिएट कर रही हैं। जब हमारी सेल डिवीजन में है, जब हम लोग प्रोफेज में पहुंचते हैं, तो ये पहले से प्रेजेंट माइक्रोटिब्यूल्स ये डीपॉलीमराइज कर जाती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सेल डीपॉलीमराइज कर जाती हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम जो हमारी माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो डीपॉलीमराइज कर जाती हैं। तो जब हम लोग प्रोफेज में जाएंगे तो हमारी माइक्रोटिब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन होगा और ये डीपॉलीमराइज कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। और अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हमारे सेंट्रोसोम डबल हो चुके हैं, तो हमारी सेल में दो सेंट्रोसोम्स अपीयर हो चुके हैं। आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, सेंट्रोसोम साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्रोसोम तो हमारे एस फेज में ही डबल हो चुके हैं, जी टू फेज में वो ग्रो कर चुके हैं। तो दो सेंट्रोसोम है, मैं इनको थोड़ा अलग अलग बना रहा हूं और उसका कारण है कि आप समझ लें। तो हमारे सेंट्रोसोम दो हैं हमारी सेल में। जब माइक्रोटिब्यूल्स डिसअसेंबल हो जाएंगी, इनकी टिब्यूलिन सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी, तो वो टिब्यूलिन सब यूनिट्स एटीपी से बाइंड करेंगी और दोबारा पॉलीमराइज होने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी। इन्हीं दोनों सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स की असेंबली स्टार्ट होगी और ये माइक्रोटिब्यूल्स हमारे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन करेंगे। तो हमारी सेल में दो सेंट्रोसोम है और दोनों सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स की असेंबली स्टार्ट होगी और ये पूरा माइक्रोटिब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर हमारे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन करेगा। इसको हम लोग माइटोटिक स्पिंडल कह रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस भी कहते हैं। और ये दो सेंट्रोसोम से असेंबल हो रहा है, इसी वजह से हम इसे बाइपोलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें माइक्रोटिब्यूल की असेंबली डिसअसेंबली, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, गामा ट्यूबुलेंस क्या होती, पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, डीपॉलीमराइजेशन कैसे होता है, कौन से एंड कहां पर होते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर के पुराने वीडियोज पढ़े हैं उनको देख लें।
तो आप सभी लोग ध्यान दें, जब हम लोग सेल डिवीजन में आते हैं माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की असेंबली की बात करते हैं, तो माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस माइक्रोटिब्यूल्स का बना है और माइक्रोटिब्यूल्स का नाम आते ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। माइक्रोटिब्यूल्स क्या है, किसके बने हैं, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, कौन से एंड कहां पर होते हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ये बात पता ही ना हो, तो उनको ये बात क्यों पता नहीं चली, वो अपने आप से क्वेश्चन करें और नहीं तो आसपास लोगों से पूछे कि हमको ये क्यों पता नहीं है। और यदि किसी को पता ना हो तो मुझे बताएं। मोहित तिवारी का क्वेश्चन आ रहा है, सर कितनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे ड्यूरिंग इंटरफेज। अरे तिवारी जी, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन अभी तक पता नहीं चला है कि उसका जो फाइनल कंडेंसेशन पैटर्न है वो कैसे होता है, तुम्हें एटीपी काउंट करने की पड़ी है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन हम लोग पढ़ते हैं और एक लेवल तक ही कंडेंसेशन के बारे में पता है, उसके बाद तो पता नहीं है कंडेंसेशन का पैटर्न क्या है, क्रोमोसोम कितने लेवल पर कंडेंस हुआ है। तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप जब जेआरएफ हो जाएंगे रिसर्च करेंगे तो आप एक एक काउंट करके लाएंगे, हम लोगों को बताएंगे। कोई ऐसा नहीं, इसका मतलब सभी लोगों को पता है कौन से प्लस है कौन से माइनस एंड है। तो चलिए, माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जो हमारी सेल में माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट हैं वो माइक्रोटिब्यूल्स डीपॉलीमराइज होंगी, तेजी से डीपॉलीमराइज होने से उनके ट्यूबुलिन प्रोटीन्स रिलीज होंगे, और उन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, क्योंकि जब ट्यूबुलिन रिलीज होते हैं तो एडीपी बाउंड स्टेट में होते हैं, उन ट्यूबुलिन्स के साथ एटीपी बाइंड करेंगे, जैसे एटीपी बाइंड होंगे वैसे ही सॉरी एटीपी नहीं जीटीपी, जैसे ही जीटीपी ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होंगे वैसे ही उनका पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। हमारी सेल में दो सेंट्रोसोम्स अपीयर हो चुके हैं और ये पॉलीमराइजेशन दोनों सेंट्रोसोम से होगा, क्योंकि एक सेंट्रोसोम एक एंड पर जाएगा एक दूसरे एंड पर जाएगा, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बाइपोलर अरेंजमेंट कहेंगे। तो माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस माइक्रोटिब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन करना है माइटोसिस में, अर्थात कैरियोकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स का बंटवारा कौन सा स्ट्रक्चर करेगा, तो हमारा आंसर होता है माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल किसका बना है, तो माइक्रोटिब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है, और माइक्रोटिब्यूल कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर आता है सेंट्रोसोम से। डिवीजन के समय प्रोफेज में जब ये स्ट्रक्चर असेंबल हो रहा है तो कितने सेंट्रोसोम है, तो दो सेंट्रोसोम है, दोनों सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स की असेंबली होगी, और एक सेंट्रोसोम को एक पोल कहेंगे और यहां पर दो सेंट्रोसोम है तो इस वजह से ये दो पोल्स हो गए, और दोनों से माइक्रोटिब्यूल्स की असेंबली होगी। जब माइक्रोटिब्यूल्स असेंबल होंगे तो इसको हम बाइपोलर अरेंजमेंट कहते हैं, बाइपोलर असेंबली कहते हैं माइक्रोटिब्यूल्स की। अब आपको यहां पर यह पॉइंट आप समझ रहे होंगे, अब मैं इनको अलग करके यहां पर बना रहा हूं। चलिए, ये दो सेंट्रोसोम हैं, इन्हीं सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स असेंबल हो रहे हैं, ये रेडिएट कर रहे हैं, देखिए एक सेल में जब हम माइक्रोटिब्यूल्स अरेंजमेंट को देखेंगे, अभी मैंने कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, ये सेल है और ये दो सेंट्रोसोम है, यहां से माइक्रोटिब्यूल्स की असेंबली शुरू हो गई है, दो सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स असेंबल हो रहे हैं क्योंकि दो सेंट्रोसोम है।
जब सेल डिवाइड होगी तो एक एक सेंट्रोसोम दोनों सेल्स में चला जाएगा, आप इस पॉइंट को पहले समझ ले, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन तो सीधे सीधे होते हैं कि क्रोमोसोम का बंटवारा कौन करेगा, तो माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल किसका बना है, तो माइक्रोटिब्यूल्स का बना है, आपको यह ध्यान रखना है। माइक्रोटिब्यूल्स कहां से ओरिजिनेट करते हैं, कहां से उनकी पॉलीमराइजेशन शुरू होती है, तो उन साइट्स को या उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, और माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर अर्थात सेंट्रोसोम किसका बना है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रोसोम के चारों तरफ पीसीएम होता है, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, जो पॉलीमराइजेशन के लिए या ये कहें माइक्रोटिब्यूल्स के न्यूक्लिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि माइक्रोटिब्यूल के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब कोई माइक्रोटिब्यूल असेंबल होती है तो उसका माइनस एंड सेंट्रोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि उसका जो प्लस एंड होता है वो दूर होते हैं। तो ये माइक्रोटिब्यूल्स के प्लस एंड हैं, और इनके एंड जो सेंट्रोसोम के साथ एसोसिएटेड हैं वो माइनस एंड है। डिवीजन के समय दो सेंट्रोसोम हैं, दोनों सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स असेंबल होंगे, और इस तरह से ये एक बाइपोलर स्ट्रक्चर अरेंज होगा। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर इसमें माइक्रोटिब्यूल्स इलोंगेट करेंगी, माइक्रोटिब्यूल्स की लेंथ इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे सेंट्रोसोम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब ये दूर क्यों जाएंगे, उसका क्या कारण है, आप उसे भी समझ लें। तो यहां पर दो तीन क्वेश्चन हैं। पहले तो कौन से स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन करते हैं उसके बारे में जानना है, माइक्रोटिब्यूल्स क्या है उसके बारे में जानना, ये पॉइंट मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जानते होंगे। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट आते हैं कि जब सेंट्रोसोम, जैसा मैंने सेंट्रोसोम साइकिल में शुरू में आपको बताया कि जब हम लोग पहुंचेंगे प्रोफेज में तो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम सेंट्रोसोम डिसजंक्शन कहेंगे। तो ये अलग कैसे होना शुरू होंगे, एक अलग कैसे होने लगेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रोफेज में सेल डिवीजन पहुंचेगा तो सबसे पहले जब माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस असेंबल होते हैं तो एस्ट्रल फाइबर्स की असेंबली शुरू होगी, जो चारों तरफ सेल के पेरिफेरी ये ओरिजिनेट रेडिएट कर रहे हैं, ये एस्ट्रल फाइबर सबसे पहले अरेंज होते हैं चारों तरफ। जब एस्ट्रल फाइबर अरेंज होते हैं तो ये क्योंकि पास में बहुत क्लोज होते हैं तो इनकी कुछ माइक्रोटिब्यूल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रही होती हैं। जैसे आप ये स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, यहां पर दो तरफ से रेडिएट होकर के आने वाली माइक्रोटिब्यूल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। इन्हीं ओवरलैपिंग रीजंस पर आकर के हमारी मोटर प्रोटीन बाइंड हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर मोटर प्रोटीन आकर के बाइंड होती है, जैसे मैंने ये बाइंड करा दिया। तो जब हम सेंट्रोसोम के सेपरेशन की बात करते हैं और इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, दो तीन पॉइंट आते हैं, किसका बना है, कितने साइट पर अरेंज हुआ, और साथ में ये दोनों एक दूसरे से दूर भी जाते हैं तो दूर क्यों जाते हैं, कौन सी प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस असेंबल होना शुरू होता है दोनों सेंट्रोसोम से, तो दोनों सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होकर के माइक्रोटिब्यूल जो आगे ग्रो करती हैं, उनमें से कई सारी माइक्रोटिब्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। इनको हम इंटरपोलर माइक्रोटिब्यूल्स भी कहते हैं या पोलर माइक्रोटिब्यूल्स कह देते हैं। इन्हीं पोलर माइक्रोटिब्यूल्स में यदि आप देखेंगे तो प्लस माइनस एंड आपको पता है, ये प्लस एंड है इस माइक्रोटिब्यूल का और नीचे ये प्लस एंड है। तो इन्हीं ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स पर आकर के मोटर प्रोटीन बाइंड कर जाती है, और माइक्रोटिब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन के बारे में आप जानते होंगे, ये काइनेशन 5 मोटर प्रोटीन है। काइनेशन 5 मोटर प्रोटीन है जो इंटरपोलर माइक्रोटिब्यूल्स को होल्ड करती है, और देन इसके बाद इन माइक्रोटिब्यूल्स को वो
स्लाइड करती है एक दूसरे पर, क्योंकि काइनेसिन 5 एक प्लस एंड डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन है, और जब ये ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स को एक दूसरे पर स्लाइड करती है तो ये सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, जैसे ये दो पेन है, आप समझ रहे हैं, और इन दोनों को मैं एक दूसरे से स्लाइड करूंगा तो देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जब भी स्लाइडिंग होगी तो इनके एंड क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जरा देखिए ये एंड है, और यदि हम स्लाइडिंग करेंगे, स्लाइडिंग होती है तो इनके एंड एक दूसरे से दूर जाएंगे। उसी तरीके से यहां पर काइनेसिन 5 मोटर प्रोटीन दोनों जो इंटरपोलर माइक्रोटिब्यूल्स हैं उनको स्लाइड कराता है। जब स्लाइडिंग होगी तो ये माइक्रोटिब्यूल जो नीचे की तरफ है वो इस तरफ जाएगा, और जो ऊपर की माइक्रोटिब्यूल है वो इस तरफ मूव करेगी। तो जब दोनों की स्लाइडिंग होगी तो सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे यहां तक। माइटोटिक स्पिंडल इज ए माइक्रोटिब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर दैट मीडिएट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस। एज ए सेल एंटर इनटू माइटोसिस द माइक्रोटिब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन अंडरगोज डिसअसेंबली एंड रिलीज्ड टिब्यूलिन्स आर प्रिपेयर्ड फॉर असेंबली इनटू माइटोटिक स्पिंडल। द कोर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज द बाइपोलर एरे ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। ये एक बाइपोलर अरेंजमेंट है। तो कैसे सेंट्रोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, शुरू मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रोसोम का मूवमेंट एक दूसरे से दूर, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाता है जब हम लोग प्रोफेज में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि अपोजिट फेज में कैसे शुरू हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो जैसे जैसे माइक्रोटिब्यूल्स ग्रो करती हैं, जैसे जैसे माइक्रोटिब्यूल्स की लेंथ इंक्रीज करती है और उनकी जो ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स हैं उनको होल्ड किए होती है काइनेसिन 5 मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन्स इंटरपोलर माइक्रोटिब्यूल्स को एक दूसरे पर स्लाइड कराती हैं। स्लाइडिंग से इनकी जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, शिफ्ट होती जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये एक मूवमेंट हो गया, किसका बना है इसको भी ध्यान रखना है। ये प्रोफेज में चल रहा है, इसी समय जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे सेल डिवीजन पर लेकर के, तो ये हमारी सेल है, यहां पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के समय मैं यहां सर्कल में बना रहा हूं, ये हमारे सेंट्रोसोम से, और सेंट्रोसोम से माइक्रोटिब्यूल्स जो ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स हैं, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स, इन पर काइनेसिन 5 मोटर प्रोटीन्स इन दोनों को स्लाइड कर रहा है, जिससे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोफेज में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सेंट्रोसोम्स अपोजिट एंड की तरफ एक दूसरे से शिफ्ट होते जाएंगे। ये काइनेसिन 5 डिपेंडेंट मोटर फंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटर्स के बारे में कहा, तो इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में मैं ऐसा मान रहा हूं आप लोगों को पता होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। अब माइक्रोटिब्यूल्स हैं तो मोटर प्रोटीन्स होगी, जैसे मैंने काइनेसिन 5 मोटर प्रोटीन के बारे में बताया। डिवीजन में काइनेसिन 5 मोटर प्रोटीन्स का तो फंक्शन है पोलर माइक्रोटिब्यूल्स को स्लाइड करना, क्या और भी मोटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, क्या और मोटर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है सेल डिवीजन में। तो आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रल फाइबर जब सेंट्रोसोम पर आते हैं तो एस्ट्रल फाइबर्स रेडिएट कर रहे होते हैं। एस्ट्रल फाइबर को हमारी सेल कॉर्टेक्स में एक्टिन फिलामेंट से लिंक करने का काम करती है डायनेमिक मोटर प्रोटीन्स। तो डायनेमिक मोटर प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होती है जो हमारे सेंट्रोसोम को हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, जस्ट नीचे प्रेजेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ लिंक करती है, जिससे सेंट्रोसोम को होल्ड किया जा सके। जब हम लोग उसको उसमें आएंगे एनाफेज में, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक पॉइंट आप लोग यहां पर काइनेसिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा और समझ लें,
कि जब वो काइनेशन और डायनेशन की हम लोग बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स में, तो ये प्लस और माइनस एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन होती हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूं। काइनेशन प्लस एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है, हमेशा माइक्रोट्यूबुल्स पर प्लस एंड की तरफ मूव करेंगे, और जो डायनेशन होती है वो नेगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन होती है और हमेशा नेगेटिव एंड की तरफ वो मूव करती है। काइनेशन में एक एक्सेप्शन है, काइनेशन में एक एक्सेप्शन है जो नेगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है, कोई स्टूडेंट बताएगा? तो अदिति का आंसर है काइनेशन 14, ठीक है। प्रीति काइनेशन 14, प्रीति ने सही आंसर दिया है, अदिति ने सही आंसर दिया है काइनेशन 14। वर्षा सिंह काइनेशन 13 गलत है, काइनेशन 14 नेगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है। चलिए मैं यहां पर सेल के लेवल पर बता रहा हूं और सभी लोगों को यहां पर थोड़ा सा ये पॉइंट समझ में आएगा जब हम लोग सेल डिविजन में होंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं इसको यहां बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, केवल आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें अभी। और यहां पर ये हमारा सेंट्रोसोम है, और एक सेंट्रोसोम हमारा यहां पर है, देखिए न्यूक्लियस है। लास्ट स्टेज में आएंगे तो न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस होगा, ये हमारे सेंट्रोसोम है। इन्हीं सेंट्रोसोम से हमारे माइक्रोट्यूबुल्स रेडिएट कर रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स का रेडिएशन है इसी, तो ये हमारी ओवरलैपिंग माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, ठीक है। कुछ माइक्रोट्यूबुल्स क्रोमोसोम के साथ लिंक होती हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। बाकी माइक्रोट्यूबुल्स को यदि हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रेडिएट करती हैं चारों तरफ। तो मैं यहां बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूं जिससे हम स्पष्ट कुछ चीजें बना सकें। तो हमारे माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस में तीन तरह की माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं और उनमें से कुछ माइक्रोट्यूबुल्स को हम लोग पोलर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, कुछ माइक्रोट्यूबुल्स हैं जिनको हम लोग काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, जिनका फंक्शन क्रोमोसोम्स के साथ लिंक होना है। और यहां पर मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम के साथ लिंक है, इनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स कहेंगे। जो माइक्रोट्यूबुल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, जैसे ये वाला पोर्शन आप देखें, यहां पर माइक्रोट्यूबुल्स ओवरलैप कर रही हैं, इनको हम इंटरपोलर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और जो माइक्रोट्यूबुल्स हमारे सेंट्रोसोम को सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कनेक्ट कर रही हैं, उनको हम लोग एस्ट्रल फाइबर कहते हैं, उनको नाम देते हैं एस्ट्रल फाइबर। तो ये हमारी ओवरलैपिंग या पोलर माइक्रोट्यूबुल्स कहें, पोलर माइक्रोट्यूबुल्स। यहां पर हमारी माइक्रोट्यूबुल्स इन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स क्योंकि काइनेटोकोर के साथ जुड़ी होती हैं। बताएंगे काइनेटोकोर क्या है, ये एस्ट्रल फाइबर है, एस्ट्रल फाइबर। अब यहां पर एक पॉइंट सभी लोगों को ध्यान देना है, मैं मोटर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जब हम आते हैं और पोलर माइक्रोट्यूबुल्स की बात करेंगे तो पोलर माइक्रोट्यूबुल्स पर इनको स्लाइड करने का फंक्शन काइनेशन 5, आपको ध्यान रखना है, यहां पर काइनेशन 5 है, ये प्रोटीन है, तो काइनेशन 5 का फंक्शन है पोलर माइक्रोट्यूबुल्स को स्लाइड करना। तो जरा देखिए कौन कौन सी मोटर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं जब सेल डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस में, कौन कौन सी माइक्रोट्यूबुल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, उनका रोल क्या है। तो काइनेसिन 5 ये
इंटरकनेक्ट करती है पोलर माइक्रोटिब्यूल्स को और पोलर माइक्रोटिब्यूल्स को स्लाइड करती है, क्योंकि पॉजिटिव इनडायरेक्टिंग है। जब स्लाइडिंग होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा, सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज पहुंचेंगे। ये काइनेसिन 5 है, आपको ध्यान रखना है। जो दूसरी प्रोटीन्स हैं, मोटर प्रोटीन्स हैं, उनमें काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10, काइनेसिन 4 और काइनेसिन 10 का फंक्शन है हमारे क्रोमोसोम्स को मूव कराना प्लस एंड की तरफ। जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा, क्रोमोसोम को जब हम लोग मेटाफेज में जाएंगे तो मिड पॉइंट पर अरेंज करना होगा, तो क्रोमोसोम को माइक्रोटिब्यूल ही तो मिड पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे। तो माइक्रोटिब्यूल तो ट्रैक है, उस पर फंक्शन करने वाली मोटर प्रोटीन्स काइनेसिन और डायनिन है। तो क्रोमोसोम को आप ऐसे समझ लें, ये हमारी माइक्रोटिब्यूल है और क्रोमोसोम को मिड पॉइंट पर यहां पर लाना है, तो क्रोमोसोम को लाने का फंक्शन मोटर प्रोटीन्स का है। मोटर प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स को लेकर के प्लस एंड के डायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन्स लेकर के मिड पॉइंट पर अरेंज करेंगी, तो आप ये समझ लें ये मोटर प्रोटीन्स है जो क्रोमोसोम को लेकर के आगे जाएंगे। तो काइनेशन 4 और काइनेशन 10 मोटर प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के लिए प्लस एंड की तरफ जो है शिफ्ट करती हैं, प्लस एंड की तरफ मूव कराती हैं, जिससे मिड पॉइंट पर उसे अरेंज किया जा सके। एक माइक्रोटिब्यूल, एक काइनेशन प्रोटीन जिसे हम लोग काइनेशन 14 कहते हैं और एसोसिएटेड होती है, और इस काइनेशन 14 की हम लोग बात करेंगे तो ये नेगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन है और इसका फंक्शन होता है जो हमारे सेंट्रोसोम से इनको क्लोज लाना, और साथ में ये हमारी माइक्रोटिब्यूल्स की जो डायनामिक इनस्टेबिलिटी है उसको भी रेगुलेट करता है। तो हमारे सेल डिवीजन में कौन कौन सी काइनेशन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर हमारा आंसर आता है काइनेसिन 5, काइनेसिन 4 एंड 10, काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10, एंड देन काइनेसिन 14, काइनेसिन 14। ये चार काइनेसिन प्रोटीन्स है जिनका इन्वॉल्वमेंट है। क्या डायनिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, तो आपको ध्यान रखना है डायनिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, और डायनिन प्रोटीन हमारे एस्ट्रल फाइबर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ कनेक्ट करती है। तो ये डायनिन प्रोटीन है, तो डायनिन प्रोटीन का भी रोल है। यहां पर मैं माइक्रोटिब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं और उसमें से क्या रिलेशन होगा काइनेसिन का, क्या डायनिन का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यदि ओवरऑल बात करें कि ये किस पॉइंट को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, तो इसका बहुत सारा पार्ट हम लोग साइटोस्केलेटन में पढ़ लेते हैं। यहां पर जब हम लोगों ने कहा कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन माइक्रोटिब्यूल बेस्ड है, तो माइक्रोटिब्यूल तो ट्रैक है, उस पर फंक्शन करने वाली प्रोटीन्स मोटर प्रोटीन्स हैं जिसमें काइनेसिन और डायनिन आती हैं। तो माइक्रोटिब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट सेल डिवीजन में है या नहीं है, और यदि है भी तो कौन कौन सी मोटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो यहां पर मैंने चार तरह की काइनेसिन प्रोटीन्स के बारे में लिखा हुआ है, काइनेसिन 5, काइनेसिन 4 और 10 एंड काइनेसिन 14। ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेंट्रोसोम्स के मूवमेंट को और हमारे क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को डायरेक्ट करती हैं माइक्रोटिब्यूल पर बेस्ड होकर के सेल डिवीजन के समय। डायनिन मोटर प्रोटीन का फंक्शन होता है कि हमारे एस्ट्रल फाइबर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे अर्थात सेल कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट इंटर जो हमारे एक्टिन फिलामेंट है उनके साथ लिंक करना, आपको यह ध्यान रखना है। तो हमारे जो सेंट्रोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ लिंक है, और ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है डायनिन प्रोटीन जिनको, जिससे इनको होल्ड किया जा सके। दूसरा, ये सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर इतनी कैसे पहुंच गए, तो ये फंक्शन काइनेसिन 5 का था जिसने ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स को स्लाइड किया जिससे इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सका। जब हम लोग मेटाफेज में पहुंचेंगे और क्रोमोसोम्स को मिड पॉइंट पर अरेंज हुआ देखेंगे, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि वहां पर क्रोमोसोम्स पहुंच कैसे गए, इन पॉइंट को भी पढ़ना बाकी। तो वहां पर हम देखेंगे काइनेसिन 4 और 10 ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्रोमोकाइनेसिन कहते हैं।
तो ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि माइक्रोटिब्यूल माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस जब हमारी सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके साथ कौन कौन सी मोटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हुई हैं डिवीजन प्रोसेस में। तो यहां पर चार तरह की काइनेसिन प्रोटीन और डायनिन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उनके नाम मैंने आपको लिख दिए हैं और एक बार उनके फंक्शन भी चेक कर लेते हैं क्या फंक्शंस हैं। तो काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10, काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10 आर आल्सो कॉल्ड क्रोमोकाइनेसिन। क्रोमोकाइनेसिन का मतलब यहां है क्रोमोसोम से इनका रिलेशन है, ठीक है। दे आर प्लस एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन दैट एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम आर्म्स एंड पुश द अटैच्ड क्रोमोसोम अवे फ्रॉम द पोल। जब मिड पॉइंट पर हम लोग ले जाएंगे क्रोमोसोम को, मेटाफेज और प्रोमेटाफेज में डिस्कस करेंगे, तो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट मिड पॉइंट पर होगा। ये फंक्शन काइनेसिन 4 और 10 का है। देन आते हैं काइनेसिन 5। काइनेसिन 5 की बात करेंगे तो ये भी प्लस इनडायरेक्टिंग मोटर प्रोटीन है और इसमें पुश पोल्स अपार्ट बाई स्लाइडिंग ओवरलैपिंग माइक्रोटिब्यूल्स। जो पोल्स हैं उनको एक दूसरे से दूर पुश करना ये फंक्शन है काइनेसिन 5 का। काइनेसिन 14 की बात करेंगे तो माइनस इन डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन है, पुल्स पोल्स टूगेदर एंड रेगुलेट स्पिंडल डायनामिक्स इन मियोसिस एंड माइटोसिस। यदि हम लोग काइनेसिन 14 को ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, माइनस इन डायरेक्टिंग काइनेसिन है और ये पोल्स को एक दूसरे के क्लोज पुश करता है। ये फंक्शन है काइनेसिन और डायनिन का। डायनिन का आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रल फाइबर को सेल कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ लिंक रखना, ये फंक्शन है डायनिन का। डायनिन नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स होते हैं। यहां पर एक पॉइंट और आता है जो हम लोगों ने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जब हम सेल डिवीजन में आते हैं तो प्रोफेज में एक और मेजर इवेंट आता है न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपीयर हो जाना। ये हमारी सेल है और सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में है जबकि माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की असेंबली साइटोसोल में होती है। माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस साइटोसोल में असेंबल हो रहा है और जब तक क्रोमोसोम्स साइटोसोल में नहीं आएंगे तब तक इनका सेपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्रोमोसोम्स को मिड पॉइंट पर अरेंज करने के लिए और इन दोनों क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपीयर होना जरूरी है। तो जैसे ही हम लोग प्रोफेज के एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसी स्टेज पर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है और प्रेजेंट क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में कह सकते हो वो बिखर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स रिलीज हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो चुका है। क्वेश्चन ये उठता है न्यूक्लियर एनवेलप क्यों डिसअपीयर हुआ, ऐसा क्या चेंज हुआ कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब हो गया सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, माइटोसिस में जो फंक्शन करता है। ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फास्फोराइलेशन कर देता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मैं पढ़ा चुका हूं, तो एमपीएफ फास्फोराइलेट करता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को, फास्फोराइलेट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC that result their dissociation। या हम लोग कह सकते हैं disassembly। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की disassembly हो जाती है। साथ में MPF फास्फोराइलेट करता है लेमिन्स प्रोटीन को। लेमिन्स के बारे में आप जानते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर से जो पूरा एक लेमिना होता है, एक मेसवर्क है, लेमिन्स प्रोटीन का एक नेटवर्क है न्यूक्लियस में।
अंदर की तरफ से जो इसको स्टेबिलिटी देता है, और ये नेटवर्क बना हुआ है लेमिन्स प्रोटीन का। ठीक है, तो एमपीएफ जैसे ही एक्टिवेट होता है तो फास्फोराइलेट करेगा लेमिन्स को, फास्फोराइलेट लेमिन्स, लेमिन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेमिनिन्स हमारे ईसीएफ में पाए जाते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट फैमिली के मेंबर्स हैं। तो लेमिन्स को फास्फोराइलेट करते हैं, दैट लीड टू देयर डिसअसेंबली, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअसेंबल कैसे हो जाता है उसके बारे में जानना है। एक्टिवेटेड एमपीएफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फास्फोराइलेशन करता है जिससे ये डिसअसेंबल होने लगते हैं। साथ में हमारे न्यूक्लियर इनवेल्व जो न्यूक्लियर लेमिना है, न्यूक्लियस में अंदर की तरफ से जो सपोर्ट है प्रोटीन्स का, उसमें प्रेजेंट लेमिन्स प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है, तो लेमिन्स प्रोटीन का डिसोसिएशन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि एमपीएफ एनपीसी और लेमिन्स को फास्फोराइलेट करता है जिससे प्रोटीन्स डिसअसेंबल हो जाती हैं। इनके डिसअसेंबल होते ही न्यूक्लियस को बनाने वाली मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स में कन्वर्ट होकर के हमारे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाती हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करने वाले स्ट्रक्चर डिसअसेंबल हो चुके हैं। इस वजह से न्यूक्लियर एनवेलप को बनाने वाली मेम्ब्रेन भी स्मॉल वेसिकल्स में कन्वर्ट होकर के हमारे साइटोसॉल में डिस्पर्स हो जाती है। ये ध्यान रखना है, जब वो साइटोसॉल में डिस्पर्स हो जाती हैं छोटी छोटी वेसिकल्स में, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये वेसिकल्स कन्वर्ट हो गई, तो यहां पर इनको ईआर और गोल्जी से अलग करना मुश्किल है, आपको यह ध्यान रखना है। साथ में जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है तो उसी के साथ हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी स्मॉल वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन भी डिसअसेंबल हो जाती है और छोटी छोटी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है जो साइटोसॉल में प्रेजेंट है। जब डिवीजन की प्रोसेस लास्ट स्टेज में पहुंचेगी तो इनकी दोबारा असेंबली शुरू होगी, जब हम लोग टीलोफेज के एंड पर पहुंच रहे होंगे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो रहा होगा, तो यही वेसिकल्स आपस में फ्यूज करके ये स्ट्रक्चर्स जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है ईआर और गोल्जी है उसको दोबारा बना लेंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सेल डिविजन में लास्ट में प्रोफेज को, प्रोफेज के तीन मेजर इवेंट्स थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ। पहला मेजर इवेंट हम लोगों ने क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन पढ़ा, सेकेंड जो इवेंट था उसमें हम लोगों ने माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की असेंबली पढ़ी और वो माइक्रोटिब्यूल बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है, और उसी के साथ कौन सी मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं हमारे सेल डिवीजन में, क्योंकि काइनेसिन और डायनिन तो कई सारी प्रोटीन्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स एसोसिएटेड, उनके क्या रोल है उसके बारे में जानना है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हो जाते हैं जब हम लोग प्रोफेज में आएंगे और कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपीयरेंस हो जाता है प्रोफेज के लास्ट में। ठीक है, प्रोफेज किसने ट्रिगर किया, तो एमपीएफ ने ट्रिगर किया, किसको फास्फोराइलेट किया, एनपीसी को फास्फोराइलेट किया और लेमिन्स के फास्फोराइलेशन किया जिससे डिसअपीयरेंस हुआ। इन्हीं डिसअपीयरेंस से मेम्ब्रेन छोटी छोटी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गई है, और जब टीलोफेज का एंड होने वाला होगा, जब न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर होगा, तो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के असेंबल हो जाने से वो दोबारा रीअपीयर हो जाएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रो मेटाफेज और मेटाफेज के बारे में कि प्रोफेज और मेटाफेज क्या है, उनके मेजर इवेंट्स क्या है, देन एनाफेज को भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।